सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बच्चों, आज हम नया चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और यह धन हमें अपने परिश्रम के माध्यम से आय के रूप में प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में आय किस प्रकार अर्जित होती है, आय का इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आय होती क्या है या इसका अर्जन किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास उत्पादन के 5 साधन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं और जब ये आपस में मिलते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो ये हमारे उत्पादन के साधन क्या हैं बच्चों? उत्पादन के 5 साधनों के माध्यम से होता है और ये 5 उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। अब इन 5 के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की। भूमि प्रकृति के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है, लेकिन भूमि के बिना उत्पादन प्रक्रिया संभव नहीं है। हमें कल कारखाना लगाना है, खेती करनी है, उन सब के लिए हमें लैंड या भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और भूमि संसाधन का इस्तेमाल करने के बदले जो आय सृजित होती है या भूमि की जो इनकम होती है उसे हम लगान या रेंट के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं श्रम की। श्रम भी एक महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है। यह सक्रिय साधन होता है उत्पादन का। जैसे भूमि के बारे में हमने जाना तो भूमि निष्क्रिय साधन है, यह अपने आप उत्पादन नहीं करती जब तक इस पर श्रम नहीं लगाया जाता। तो श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन होता है और यह श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम का तात्पर्य हुआ जब हम अपने शरीर का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, जैसे मजदूरों द्वारा खेतों में मजदूरी करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरों द्वारा कार्य करना, ये सब शारीरिक श्रम कहलाता है। और दूसरी ओर मानसिक श्रम वह श्रम है जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के इस्तेमाल से करता है, जैसे टीचर, डॉक्टर्स इत्यादि। और इस श्रम के बदले उसे मजदूरी दी जाती है। तो श्रम का रिवॉर्ड या पारिश्रमिक या उसकी आय मजदूरी के रूप में व्यक्त की जाती है। तीसरा उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन होता है पूंजी। बिना पूंजी उत्पादन कार्य संभव नहीं है। पूंजी के अंतर्गत हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं? सबसे पहले वह कोई भी वस्तु या वह कोई भी चीज़ जो आय को और अधिक सृजित करने में महत्वपूर्ण होती है वह पूंजी कहलाती है, जैसे मुद्रा और पूंजीगत उपकरण जैसे कंप्यूटर्स या किसी बड़ी वर्कशॉप या फैक्ट्री में जितने भी यांत्रिक या इंजीनियरिंग उपकरण लगाए जाते हैं या मशीनें लगाई जाती हैं, टूल्स, ये सब पूंजी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया संभव होती है या इनकम जेनरेट होती है। तो पूंजी के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। अगला हमारा साधन है संगठन। संगठन जो है वो व्यक्तियों के आपस में मिलने से बनता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें संगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है, अन्यथा
कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता और इस संगठन में काम करने वाले लोगों को उनके कार्य के बदले वेतन या सैलरीज दी जाती हैं। इसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण संसाधन है साहस। साहस या साहसी, यह कौन होता है या यह संसाधन किस प्रकार का होता है? तो बच्चों, जितना भी आर्थिक क्रियाएं हैं या उद्यम हैं, उनको शुरू करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इस अनिश्चितता को उठा सके, क्योंकि उत्पादन एक अनिश्चित प्रक्रिया है। जिसमें इसे अनिश्चित प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाभ की भी संभावना होती है और हानि की भी। तो इस हानि की संभावना को जानते हुए जो व्यक्ति साहस करता है या उद्यम को शुरू करता है या उस उद्यम का जो ओनर होता है, उस उद्यम का जो स्वामी होता है, उसे हम साहसी या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है, क्योंकि इसके प्रयास के बिना उत्पादन कार्य संभव नहीं है। यह वही व्यक्ति है जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए उत्पादन के अन्य साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, इन सबको तैयार करता है और उत्पादन कार्य करता है। और इस साहसी को होने वाली आय को हम लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बच्चों यह जाना कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके आय का सृजन होता है और यह आय शारीरिक या मानसिक कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक कहलाती है। इस आय को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज, संगठन के बदले वेतन और साहस के बदले लाभ, या कभी किसी विशेष स्थिति में हानि होने की भी संभावना होती है। लेकिन हानि को हम उसकी आय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह उसका नुकसान है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय या सामाजिक आय ही विपन्नता या गरीबी का या अमीरी का प्रमाण होती है। अर्थात वह राज्य या वह देश कितना विकसित है या अविकसित है, यह उस देश के नागरिकों की आय के माध्यम से ही हमें पता चलता है। सभी नागरिकों की व्यक्तिगत आय जब आपस में मिलती है तो वो राष्ट्र की आय बनती है या राष्ट्रीय आय बनती है। तो जिस देश के नागरिकों को ज़्यादा आय मिलती है तो उस देश की राष्ट्रीय आय भी उतनी ही अधिक होती है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है वह देश विकसित माना जाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है वह कम विकसित या अविकसित या विकासशील की श्रेणी में आता है। भारत में पिछले कई दशकों से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था माना जाता है। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। देश को और अधिक आगे ले जाने के लिए व्यक्तिगत आय में बढ़ोतरी होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं बिहार के आय की। बिहार की आय की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बिहार भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। यहाँ पर पूरे देश की अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसके मुकाबले या उसके कंपैरिजन में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी कम है। ये केवल बिहार के संदर्भ में नहीं है, अपितु अगर हम अन्य देशों के साथ भारत की तुलना करते हैं, जैसे भारत की तुलना यदि हम अमेरिका से करें या भारत की तुलना हम चाइना से करें या भारत की तुलना हम ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस जैसे देशों से करें, तो हम पाते हैं कि भारत बहुत पीछे है या भारत अन्य देशों जिनका अभी हमने नाम लिया चर्चा की, इन देशों के मुकाबले आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रह चुके हैं प्रोफेसर रेगनर नक्स, उन्होंने कहा कि गरीबी जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप का काम करती है। अभिशाप अर्थात गरीबी देश को एक ऐसे बुरे दुष्चक्र में फंसा देती है जिससे वह देश और अधिक गरीब होता जाता है। इस गरीबी के दुष्चक्र को हम एक डायग्राम या चित्र के माध्यम से समझेंगे।
गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी के दुष्चक्र की धारणा सर्वप्रथम प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने दी। उन्होंने कहा कि जो देश गरीबी के चक्र में फंसा होता है वो इस प्रकार के दुष्चक्र में फंस जाता है कि उसे बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। वह अपने आप में गरीबी के चक्र में फंस जाता है और इस गरीबी के चक्र को उन्होंने दुष्चक्र या कुचक्र के नाम से बुलाया, या जिसे हम विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक चक्र का प्रारूप दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन देशों की आय कम होती है, अर्थात जो देश गरीब होते हैं, उन देशों में चूँकि आय कम है, इस वजह से वह देश, वहाँ के रहने वाले लोग, देशवासी बचत भी कम कर पाते हैं। क्योंकि बचत बेसिकली होती क्या है, हम अपनी आय में से जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं या जो व्यय कर लेते हैं उसके बाद जो बचता है वह बचत या सेविंग कहलाती है। तो यदि व्यक्तियों की आय कम होगी तो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाता है, जिस वजह से वह बचत कम कर पाते हैं। जैसे कि बच्चों, हम अपने घर में भी देखते हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा बजट बनाते हैं कि उनकी सैलरी इतनी है और उसमें से इतना वो खर्च करेंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए और इतना वो बचाएंगे। तो उस बजटिंग के क्रम में कभी कभी आय कम होने पर क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, लेकिन रिसोर्सेस कम होने की वजह से उन्हें हम पोस्टपोन कर देते हैं। या कभी कभी आपके फोर्स करने पर या कुछ ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं आकस्मिक, जिनको पूरा करने के लिए हमें अपनी आय का वह भाग भी खर्च करना पड़ जाता है जो हमने बचत करने के लिए रखा था, तो हमारी बचत और कम हो जाती है। फिर अगर बचत कम होगी किसी, इसी तरह से ये एक एक व्यक्तियों की बचत मिलते मिलते ही पूरे देश की या पूरे राष्ट्र की बचत कहलाती है। तो इस तरीके से अगर राष्ट्र में आय कम है तो निश्चित रूप से बचत भी कम होगी या सेविंग कम होगी। कम सेविंग होने की वजह से दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट या निवेश भी कम होगा, निम्न निवेश होगा। दूसरी तरफ मांग भी कम होगी, डिमांड कम होगी, क्योंकि हमारी आय कम है इसलिए हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे या डिमांड हम कम वस्तुओं की करेंगे। तो इसका प्रभाव पड़ेगा देश के पूंजी निर्माण पर। पूंजी निर्माण का मतलब है कि एक देश में कितने प्रकार के पूंजीगत उपकरण हैं। यदि उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से पूंजीगत उपकरणों में भी कमी आएगी। उत्पादक नए नए उद्यम को खोलने के लिए हतोत्साहित होंगे क्योंकि उनको ये दिखेगा नहीं कि देश में या अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है। अगर मांग कम है तो उनका मोटिवेशन जो है वो बहुत नीचे गिर जाएगा और वो नया उत्पादन करने में आगे प्रोत्साहित नहीं होंगे, जिस वजह से पूंजी निर्माण कम होगा या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा भी कम हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उत्पादकता भी हमारी कम हो जाएगी। तो कम उत्पादकता की वजह से आय और कम हो जाएगी। तो बच्चों, आय पहले से कम थी जिसकी वजह से बचत कम हो रही थी, निवेश कम हो रहा था, मांग कम हो रही थी, पूंजी निर्माण भी कम था और इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पादन कम हुआ, तो फिर आय और कम हो गई। तो ये जो चक्र चलता है इसे ही प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने गरीबी का दुष्चक्र कहा। उन्होंने कहा कि गरीब देश ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे उन्हें बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि यह देश गरीबी के इस दुष्चक्र से बाहर आ सके? बिल्कुल, इस दुष्चक्र से बाहर आने का एक ही उपाय है और वो है निवेश को बढ़ाना। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि यदि देश में बचत कम है, पैसा कम है, पूंजी कम है, तो फिर उस देश में निवेश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं
कि जितने भी निजी उपक्रम होते हैं या प्राइवेट सेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ की प्रेरणा से ही काम करता है। यदि उसे अपने उत्पादन कार्य में या अपनी आर्थिक क्रिया में लाभ का मोटिवेशन नहीं दिखेगा तो वो उत्पादन नहीं करेंगे या उत्पादन को कम कर देंगे। तब ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आना होगा और स्वायत्त निवेश या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना होगा। गवर्नमेंट को आगे आकर निवेश करना होगा ताकि देश की आय को बढ़ाएं उत्पादन बढ़ाकर। इसके लिए प्रोफेसर कीन्स, जो अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी विचारधारा दी। उन्होंने कहा कि यदि देश में निवेश कम हो रहा है, आय कम है, वहाँ के नागरिक गरीब हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आके निवेश करना होगा। यदि कोई उत्पादन क्रिया नहीं भी हो रही है या कोई आर्थिक क्रिया करने की संभावना नहीं दिख रही है, तो सरकार को गड्ढे खुदवाने चाहिए और उस गड्ढे खुदवाने के लिए लोगों को काम पे रखना चाहिए, उन्हें रोज़गार देना चाहिए, उसके बदले उन्हें आय देनी चाहिए। गड्ढे खुदवाओ और उनको रोज़गार दो ताकि उनकी इनकम बढ़े, मांग बढ़े, धीरे धीरे बचत बढ़े और अर्थव्यवस्था में एक तेज़ी आए। तो ये हमारा गरीबी का दुष्चक्र है, जिसे बाहर निकलने का उपाय केवल और केवल है निवेश को बढ़ाना। अब इसका ही हम जो उपाय की बात कर रहे हैं उसको हम इस नीचे वाले चक्र के माध्यम से समझते हैं। ये किस प्रकार होगा? यदि निवेश बढ़ा दिया जाता है, अधिक निवेश होता है, तो क्या होगा? पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जिसके माध्यम से उत्पादन और अधिक होने लगेगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश में आय भी बढ़ने लगेगी। आय बढ़ेगी तो फिर लोग मांग भी अधिक करेंगे और बचत भी करने लगेंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी देश को हमें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर लाना है तो इस चक्रीय प्रवाह का पालन करना होगा, और ये चक्रीय प्रवाह अधिक निवेश के माध्यम से ही उत्पन्न हो पाएगा। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय आय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम ये देखते हैं कि वह देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है? तो बच्चों, किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष में किया जाता है, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश की सीमा के अंदर, जैसे कि भारत की सीमा के अंतर्गत, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश के नागरिकों या विदेशियों द्वारा होता है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम एक देश की सीमा में देश के नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन हुआ है उसे हम ही ले, यानी विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन यहाँ हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, तो विदेशों की भी बहुत सारी कंपनी हमारे यहाँ हैं, इसी तरह से भारत की बहुत सारी कंपनी बाहर हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों यानी हमारी भारत की जो कंपनीज़ बाहर हैं उन्होंने क्या उत्पादन किया, और जो विदेशी कंपनियाँ जो भारत में हैं उन्होंने जो उत्पादन किया भारत की सीमा के अंतर्गत, उन दोनों के अंतर को या उन दोनों के डिफरेंस को हम अपनी नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम जब हम राष्ट्रीय आय की गणना की चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में राष्ट्रीय आय की अवधारणा को बताया है। जैसे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर पीगू ने कहा कि राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय आय किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा
भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित की जाती है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। एक अन्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न परिभाषाओं को जानने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट प्रोफेसर कीन्स ने दिया। कीन्स ने आय को दो भागों में बांटा। उनके अनुसार आय बराबर है सी प्लस आई। यहाँ आय को उन्होंने वाई से डिनोट किया। ये सी का तात्पर्य है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अर्थात उपभोग व्यय, और आई का तात्पर्य है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात निवेश व्यय। कीन्स के अनुसार आय को हम दो ही रूप में व्यय करते हैं। एक पोर्शन आय का हम उपभोग में खर्च करते हैं और दूसरा पोर्शन बचत के रूप में होता है, और यही बचत फिर निवेश में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कीन्स ने यहाँ पर बचत की जगह इन्वेस्टमेंट या आय शब्द को बताया है। तो कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय दो तरीके से व्यय की जाती है। उसका कुछ भाग हम उपभोग पर व्यय करते हैं और उसका बचा हुआ भाग हम जो बचत करते हैं वो हम निवेश पर व्यय करते हैं। तो इन सब धारणाओं को जानने के बाद हमको मोटे रूप में तीन बातें सामने आती हैं, और वो तीन बातें क्या हैं। तो मुख्यतः राष्ट्रीय आय की तीन धारणाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली धारणा है GDP अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का अर्थ हुआ सकल, डोमेस्टिक का अर्थ घरेलू, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो GDP का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? यदि हम बात करें कि एक देश की, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें, तो एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह उत्पादन देश की सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा भी किया जाता है और विदेशियों के द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान में हम सब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना, इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो एक देश की सीमा के अंदर उसके नागरिकों के द्वारा जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है प्लस विदेशियों द्वारा जो भी उद्यम भारत में भारत की सीमा के अंतर्गत खोले गए हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। तो विदेशियों यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से उत्पादित माल प्लस
देश के नागरिकों के द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा उत्पादित माल की मौद्रिक वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जिसका अर्थ है GNP अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि GDP और GNP में D और N का डिफरेंस है, अर्थात GDP में हमने डोमेस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया और इसमें हम नेशनल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों में, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है, सबसे पहले हम वह समझते हैं। अभी जैसा हमने बात की कि एक देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, जितना भी उत्पादन एक देश की सीमा के अंतर्गत होता है प्लस विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन मेरे देश में या हमारे देश में किया जाता है उसे हम GDP कहते हैं। लेकिन नेशनल की अवधारणा की बात करें तो जैसा कि विभिन्न देश हमारे यहाँ उत्पादन करते हैं उसी प्रकार हमारे देश के नागरिक भी विदेशों में जाकर आर्थिक क्रियाएं या उत्पादन करते हैं, यानी कि हमारे देश के लोग भी विदेशों में उत्पादन क्रियाएं करते हैं। तो विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन के बाद उससे होने वाली आय वह विदेशी अपने देश में ले जाते हैं, तो ये उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बदले जो आय है वह उन व्यक्तियों के देश की आय है जिस देश को वो बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से भारतीय यदि विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ जो इनकम जनरेट होती है या जो आय होती है वो हमारे देश का हिस्सा है। तो इस तरीके से विदेशियों की आय और भारतीयों की आय जो विदेशों में अर्जित की जा रही है उन दोनों के बीच के अंतर को हम नेशनल या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल करते हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ, अगर हम मोटे तौर पर बोलें तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय या नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम छोटे रूप में X-M यानी कि निर्यात माइनस आयात भी कह सकते हैं। तो जब हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें शामिल करते हैं तो हमारा GDP किस में परिवर्तित हो जाता है, नेशनल आय में। अर्थात विदेशियों ने जो उत्पादन यहाँ किया उनकी आय को हम माइनस करते हैं एंड GDP में से, और भारतीयों ने जो विदेश में अर्जित किया उसको हम GDP में प्लस करते हैं, तो हमारा GNP अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तीसरी धारणा है NNP अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं।
अब जीएनपी और एनएनपी में जो बेसिक डिफरेंस है वह है ग्रॉस और नेट में। इसमें हमने ग्रॉस शब्द का इस्तेमाल किया है और तीसरी धारणा में हमने नेट या शुद्ध टर्म का या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। अब ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे हम। नेट का तात्पर्य हुआ यदि हम जीएनपी में से यानी कि एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और यदि हमने उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ ली तो हमारा जीएनपी निकल कर आ गया बच्चों। और इस जीएनपी में यदि हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन को, यानी कि मूल्य ह्रास, यदि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो यह धारणा बदल जाती है एनएनपी में। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि ये डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का तात्पर्य है कि जो भी मशीनरी जिसका इस्तेमाल हम उत्पादन क्रिया में करते हैं उसके लगातार उपयोग से उसमें घिसावट होने लगती है, वह खराब होने लगती है तो डेप्रिसिएशन आता है। उस डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं जीएनपी से तब हम एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के पास पहुंचते हैं। तो बच्चों हमने तीन धारणाएं राष्ट्रीय आय की जानी, वह है पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी और तीसरी धारणा है एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यह सब, यह दोनों, जैसे जीडीपी है तो जीडीपी को हम दो आधार पे देखते हैं। पहला होता है जीडीपी एमपी और दूसरा है जीडीपी एफसी। जीडीपी जब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पर या साधन लागत पर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से जीएनपी भी दो तरीके से मापा जाता है, जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी, यानी कि बाजार कीमतों या मार्केट प्राइस पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा साधन लागत पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से एनएनपी भी दो रूपों में है, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी वास्तविक राष्ट्रीय आय है, वास्तविक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय हमारी, टेक्निकली उसे बोला जाता है एनएनपीएफसी, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो बच्चों राष्ट्रीय आय के तीन धारणाएं हैं, पहला सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। जीडीपी एमपी का तात्पर्य है बाजार कीमतों पर
सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात जिन वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम राष्ट्रीय आय में करते हैं उनके बाजार मूल्य के आधार पर हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। तो बाजार मूल्य के कोष के आधार पर निकालने पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्यू इंटू पी, अर्थात क्यू का मतलब हुआ उत्पादन। ठीक है, एक देश की सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है यदि हम उसको उसकी कीमत अर्थात पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा। इसी की दूसरी धारणा है जीडीपी एफसी, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर्स या किसी भी उत्पादन को करने के लिए उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल किया जाता है जिन और ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, और इनको जो हम पारिश्रमिक देते हैं या इन साधनों को उत्पादन कार्य में लगाने पर जो लागत बेयर की जाती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जीडीपी एमपी की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उत्पादन को कीमत से मल्टीप्लाई करके, यानी कि जीडीपी एमपी में से यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यदि माइनस कर दें, हटा दें, तो हमारा जीडीपी एफसी कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरी धारणा की हम बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय आय को भी हम दो रूप में अध्ययन करते हैं। पहला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और दूसरा है जीएनपी एफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनपी एमपी की। जीएनपी एमपी की गणना कैसे की जाती है, अभी हमने जीडीपी एमपी की गणना करना सीखा था। तो जीडीपी एमपी में यदि हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इसे हम शॉर्ट में एनएफवाईए भी कहते हैं, इसे हम माइनस कर दें तो हमारा जीएनपी एमपी निकल कर आएगा। जीएनपी एमपी और जीडीपी एमपी में नेशनल और डोमेस्टिक इन दो शब्दों का अंतर है। डोमेस्टिक का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम डोमेस्टिक या जीडीपी कहते हैं। घरेलू या डोमेस्टिक के अंतर्गत हम अपने देश में विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि यह गलत है। अगर ऐसा होता है तो हमें हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई दिखाई देती है, इसलिए हमें इस डोमेस्टिक को नेशनल के कॉन्सेप्ट में बदलना होगा। नेशनल के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे देश में जो विदेशी उत्पादन करते हैं उनकी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, और भारतीय नागरिक जो विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं उनके द्वारा अर्जित आय को हम अपने देश की आय में जोड़ लेते हैं। इसे ही हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं, या एक्स माइनस एम भी कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि हमारे यहाँ जो निर्यात होता है, हमारे देश से जो भी निर्यात होता है वो माल, उत्पादित माल बाहर चला जाता है, लेकिन उसके बदले हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। और इसके विपरीत जो हम आयात करते हैं उसमें हम विदेशों से उत्पादित माल को अपने देश में मंगाते हैं और उसके बदले विदेशी विनिमय हमारे देश से बाहर चला जाता है। तो इस स्थिति में जब हम जीएनपी एमपी की गणना करेंगे तो हम जीडीपी में
निर्यातों की वैल्यू को प्लस करेंगे और आयातों की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा जीएनपी एमपी निकल कर आएगा। दूसरी धारणा है जीएनपी एफसी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जीएनपी एफसी को अगर हमें निकालना है तो हम जीएनपी एमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो हमने ये कैलकुलेट किया इस वैल्यू में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर लेंगे, क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना मार्केट प्राइस या बाज़ार कीमतों पर करते हैं तो बाज़ार कीमतों में अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं। यदि इन करों की वैल्यू को भी जोड़ लिया जाए तो राष्ट्रीय आय काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी जबकि वास्तव में उतना उत्पादन नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें से मार्केट प्राइस के बदले उसे हमें फैक्टर कॉस्ट तक ले जाना होगा यानी उस माल को बनाने में जो कॉस्ट आई वहाँ तक, तो वहाँ तक ला जाने के लिए हमें बाज़ार कीमतों में से यानी कि जीएनपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा तब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचेंगे। तो हमने आज तीन कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट था जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल कॉन्सेप्ट और तीसरा है एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आज हमने क्या जाना, राष्ट्रीय आय क्या है, और इन तीनों कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हम लास्ट में ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि टेक्निकली वास्तव में जो राष्ट्रीय आय है वह है हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। अरे भाई राजू। क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे, हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ।
लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, अच्छा? कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए जी सर, चलिए चलो चलो। हाँ हाँ चलिए, हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिकम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी के तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर, ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियां और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा है, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे, उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। क्या सीखा?
ए पिंटू। हाँ। आज क्या सीखा? दादी ये देखो बब्बन बंदर, ये बहुत बदमाश है और ये इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।